हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली करेंट अफेयर्स में आपका वेलकम है। तो आज है 18 अप्रैल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, जो कि नेशनल इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स हाल ही में रहे हैं तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 16 अप्रैल से 40वां हुनर हाट कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नोएडा। तो आपके मुंबई में, जो कि 16 अप्रैल से 40वां हुनर हाट मुंबई में शुरू हुआ है। तो हुनर हाट आपके मुंबई में शुरू हुआ है, जो कि 16 अप्रैल से हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन, लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए किस केंद्रीय योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 2020 के उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय योजना को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है आपके सौभाग्य योजना, उड़ान योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपके उड़ान योजना को, जो कि बी ऑप्शन, यह प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है 2020 के लिए। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किस एयरलाइन ने विक्रम सिंह मेहता और बीएस धनोआ को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया? तो इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या एयर इंडिया। तो इंडिगो एयरलाइन ने विक्रम सिंह मेहता और बी एस धनोआ को स्वतंत्र रूप से गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूँ आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? तो यहाँ पे है लेबनान, मिस्र और लीबिया और सीरिया। तो आपके मिस्र ने भारत को गेहूँ आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 2024 में FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ओमान, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो 2024 में ओमान में सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा आपके ओमान में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो विजय करतार, राजेश तलवार, निमू चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके राजेश तलवार, जो कि प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक राजेश तलवार जी हैं इसके लेखक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राजदीप सांगवान, विवेक माजुली, विमल कोठारी या समीर नागपाल। तो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष विमल कोठारी बने हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रतीक पाल, मुकेश बंसल, राजू नारायण या नटराजन चंद्रशेखरन। तो टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बन गए हैं आपके नटराजन चंद्रशेखरन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो 16 अप्रैल से 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कितने स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो इसका सही ऑप्शन, तो 1 लाख, जो कि टेली परामर्श सुविधा को उद्घाटन किए है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनमुख मांडविया जी, जो कि एक स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का उद्घाटन, जो कि 1 लाख पे किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए किस मंत्रालय ने सबका विकास
वहाँ की श्रृंखला शुरू की है तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह पहल जो कि नागरिकों को जागरूक करने के लिए आपके सबका विकास वहाँ की श्रृंखला आपके केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह श्रृंखला शुरू की है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो उत्तराखंड में यह जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने धामी ने 164 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आपके उत्तराखंड में। तो वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो कि यह एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च उत्तराखंड में किए हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर हाल ही में होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर, भोपाल, शिमला या नई दिल्ली। तो यह आयोजन नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर हाल ही में होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।